थैंक यू। मेरा जय भीम। जय भीम। मंच पर उपस्थित और सुनने वाले सभी आदरणीय को मेरा जय भीम नमोस्तुते। पर मान्यवर बैठे हुए हैं, मैं समझती हूँ कि मैं उनसे काफी छोटी हूँ और अपने पिता से मैं इनके बारे में सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। इनका अनुभव बहुत ज्यादा है, फिर भी इनके साथ में यहाँ मंच साझा करने का और बोलने का जो मुझे सुअवसर मिला है, इसके लिए मैं बहुत आनंदित हूँ और कृतज्ञ हूँ। आज का जो विषय है, इस पर अभी तक मैंने जितना सुना, खास करके अभी कांबड़े सर को मैंने जो सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज्ञान की जो भूख है, उस भूख को मिटाने का मुझे अभी अवसर मिला। बहुत सारी छोटी छोटी बातें मैंने नोट की है जो मेरे पढ़ने में नहीं आई या मेरे सुनने में नहीं आई, या फिर पढ़ते पढ़ते मैंने शायद उन बातों की उपेक्षा की, लेकिन आज उनको सुनकर ऐसा लगा कि नहीं, वो बातें बड़ी इम्पोर्टेंट थी जिनकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। उपेक्षा से याद आ रहा है कि आज का जो विषय है वो भी कुछ ऐसा ही है कि जो महान क्रांति की बात हम कर रहे हैं उसमें महिलाओं की जो सहभागिता रही उसके प्रति इतिहासकारों ने या साहित्यकारों ने उपेक्षा की है। और कुछ यहाँ भी मुझे महसूस हो रहा है, माफी चाहती हूँ कि मंच पर भी मुझे वो कमी महसूस हुई। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पुष्पाताई बौद्ध का नाम लिया और मुझे लगा कि पुष्पाताई बौद्ध वहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए। स्त्रियों की जो सहभागिता या प्रतिनिधित्व है मंच पर अक्सर मुझे कम दिखाई देता है, तो नहीं होता है या फिर एकाध होता है। ये उपेक्षा आज की बात नहीं, सदियों से हो रहा है। उपेक्षा की इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं कभी एक्टिव नहीं थी, महिलाओं ने कभी कोई क्रांति नहीं की या महिलाओं ने कभी इन चीजों पर विचार नहीं किया, ऐसा नहीं है। 2600 पहले का जो इतिहास हम देखते हैं बुद्ध के काल में, उस समय मैं समझती हूँ कि भारत की सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, उसे मैं सबसे पहला महिला आंदोलन कहती हूँ, जो स्त्रियों की शिक्षा को लेकर हुआ था। बुद्ध के संघ में सभी को प्रवेश था लेकिन महिलाएं नहीं थी, वो उपासिका के रूप में थी, लेकिन एक विद्यार्थिनी और एक टीचर के रूप में नहीं थी। और अभी मेरा परिचय देते समय इस बात को बोला गया कि मैं एक चीवर क्यों पहनी हूं, और उसके लिए जो बताया गया, मैं माफी चाहते हुए कहूंगी कि मेरा उद्देश्य अर्हत होना नहीं है। जो अर्हत हो जाते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसा मुझे लगता है। मेरा उद्देश्य कल भी आज भी और आगे भी यही रहेगा कि समाज परिवर्तन में, व्यवस्था परिवर्तन में मैं जो भी कर सकती हूँ करूँ, और एक गृहस्थ रहते हुए पूरा समय दे पाना या पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होना एक आम स्त्री के लिए कठिन हो जाता है, इसलिए जीवन रहना है। महाप्रजापति का नाम भी इतिहास में इतिहासकारों ने सही तरीके से नहीं दिया, इसलिए आज बहुत सारे लोग एक गलत वक्तव्य को सही मानकर अक्सर बोल जाते हैं कि बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को मना किया था। हाल ही में मेरी पुस्तक निकली है भिक्खुनी संघ का इतिहास, जो मेरा रिसर्च वर्क है,
और उसमें मैंने ये बात स्पष्ट की है कि बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, बुद्ध को कहने से अच्छा सिद्धार्थ गौतम को जब बोधि प्राप्त हुई थी उसी समय उन्होंने चार संघों की संकल्पना की थी, जिसमें कि भिक्खुनी संघ का भी उल्लेख आता है और इसके संदर्भ दीर्घ निकाय के महापरिनिब्बान सूत्र में मिलते हैं। बहुत सारे इतिहासकार एक तो इतिहास में उल्लेख नहीं करते हैं और उल्लेख करते हैं तो उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और वर्षों वर्षों तक वो गलत बातें ही प्रचारित होते रहती हैं। इसके मामले में महाराणा क्रांति के मामले में भी कुछ किताबें पढ़ने के बाद ऐसा ही लगा कि कुछ लोगों ने एक तो इसे सही तरीके से जाना नहीं, समझा नहीं, या प्रस्तुति करते समय बहुत सारी गड़बड़ियां की, और स्त्रियां इसमें कितनी इम्पोर्टेंट थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, इस बात की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो बाबा साहब ने बोली है वो ये साबित करती है कि स्त्रियां कितनी इम्पोर्टेंट थी इस आंदोलन में। बाबा साहब ने 27 दिसंबर के भाषण में कहा कि माँ की जो कुछ डेट में अगर गलती हो तो आप सुधार लीजिएगा, अक्सर हो जाती है। उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई, ये स्त्रियों की लड़ाई है, स्त्रियों की जिम्मेदारी है कि वो जाति निर्मूलन के लिए या व्यवस्था परिवर्तन के लिए स्वयं लड़े। हम पुरुष इसकी जिम्मेदारी लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि स्त्रियों ने इसमें सहभाग नहीं लेना है। स्त्रियों की जिम्मेदारी इसलिए वो कहते हैं, उसकी कारण मीमांसा करते हुए वो कहते हैं कि आपने हमें पैदा किया है, आपने हमें पैदा किया है और आपके द्वारा पैदा किए गए अस्पृश्य बच्चों के साथ में ये जो सवर्ण समाज है या तथाकथित उच्च वर्णीय जो कहते हैं वो उन्हें मान सम्मान नहीं देता है, उन्हें अपने जैसा नहीं मानता है, उनके बच्चे मान लेने लायक और आपके पैदा किए बच्चे अवमान करने लायक कैसे हो गए, इस बात पर आप सोचते क्यों नहीं है? आपने इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है इसका नेतृत्व आप लोगों ने करना चाहिए। इस लड़ाई, ये लड़ाई आपकी है, हमसे ज्यादा आपकी है। लेकिन जब भी किसी भी क्रांति का उल्लेख होता है, आंदोलन का उल्लेख होता है, तो जो भी उसके बारे में लिखा जाता है तो ऐसा लगता है कि सारा जो घटनाक्रम है वो पुरुषों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ऐसा लगता है। जबकि बाबा साहब ने यह भाषण आखिरी में दिया था, बहिष्कृत भारत में इसका उल्लेख किया गया है और बहिष्कृत भारत के लेख में ये लिखा गया है कि ये जो अंत में प्रोग्राम हुआ था सबसे आखिरी में, इसको अग्रस्थान देने की जरूरत है। यहाँ से एक बीजारोपण हुआ है। बाबा साहब ने दो महत्वपूर्ण भाषण दिए हैं, एक 19 मार्च का और दूसरा 27 दिसंबर का। ये दो भाषण ने अस्पृश्यों पर बहुत अधिक प्रभाव डाला है। पहले भाषण में उन्होंने आचार विचार और उचार इसमें परिवर्तन करने के लिए आह्वान किया। एक तरह से वो सुसंस्कृत और सभ्य समाज बनाने की कल्पना करते हमारे आचार विचार और उचार ये जो सभ्य समाज है उससे कुछ अलग थे, हमारा रहन सहन उनसे कुछ अलग था, हमारी वेशभूषा उनसे कुछ अलग थी, इसलिए हम किस जाति के हैं, हम किस वर्ग के हैं, ये उससे पहचाना जाता। ये कोई नई बात नहीं, उस समय बहुत फर्क पड़ा इन बातों से, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि हमारे रहन सहन, हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारी वेशभूषा ये किसी न किसी जाति धर्म को आइडेंटिफाई करती है।
उसको देखकर आगे वाला निर्धारित करता है कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। उस महान क्रांति के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हमें दिखा है आगे, जैसे यहाँ विषय में एक शब्द दिया है दहलीज के पार, मराठी में है, मैं उसका हिंदी में कह रही हूँ, दहलीज के पार मुक्त संचार करती हुई नारी। ये जो मुक्त संचार कर रही है, बहुत सारा परिवर्तन हो गया है महिलाओं में, उसको देखकर अब पहचान में नहीं आता है कि आपकी जाति क्या है, इसलिए आपको नाम पूछा जाता है। नाम से पता नहीं चलता है तो सरनेम पूछा जाता है, सरनेम से पता नहीं चलता है तो आपके गांव का नाम पूछा जाता है, किसी भी तरह से पता नहीं चलता है तो वो और खोजबीन करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि कहीं किसी तरह से इसकी जाति पता चल जाए। एक बार हम ट्रेन में एसी में सफर कर रहे थे, उस एसी के डिब्बे में एक ब्राह्मण आदमी आया और उसने हमें देखा और कहा, आप तो वेशभूषा से लगता है जैसे आप कर्म से ब्राह्मण हैं, ऐसा लगता है। मैंने कहा, जी यदि कर्म का मतलब अध्ययन और अध्यापन है तो हम उस अर्थ में ब्राह्मण हैं, हम अध्ययन और अध्यापन करते हैं। लेकिन बोले, आप किस कैटेगरी के हैं? तो इस तरह से खोज भी इतना मानने के बाद भी बहुत आसान नहीं है मुक्त संचार करना। बाबा साहब ने उस समय कहा भाषण में कि आप अपने रहस्य को बदलो, आप जिस तरह से लुगड़ा पहनते हो, आप हाथ भर चांदी के कंगन पहनते हो, गले में बहुत सारी मालाएं पहनते हो, ये आपकी जाति की पहचान है, इसको बदलना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से ब्राह्मण स्त्रियां वेशभूषा करती है, जैसा लुगड़ा पहनती है, एक ही माला पहनती है, उस तरह से आपको करना पड़ेगा। और उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं ये इस बात को करे या ना करे, उन्होंने आखिरी में यह भी कह दिया कि इस बात की अमल बजावनी होनी चाहिए, आप सुबह घर जाने से पहले मुझे ये परिवर्तन करके दिखाओ। और सुबह वो परिवर्तन उन्हें दिखाई भी दिया। कितनी महिलाएं होंगी वहां पर 25 से 27 दिसंबर के कार्यक्रम में 10,000 से के लगभग लोग थे, उसमें महिलाओं का उल्लेख बहुत ज्यादा नहीं है, 50 के करीब कुछ आखिरी के दिन जो बाबा साहब को मिलने आती है उनका उल्लेख है, और 20 तारीख के लेख में भी ये उल्लेख है कि जो जख्मी हुए थे उन्हें चार पांच महिलाएं भी जख्मी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि इतनी ही महिलाएं रही होगी, और भी ज्यादा होगी, लेकिन उनके उल्लेख नहीं आए। ये परिवर्तन जो उस समय हुआ और कुछ दिन तक चला भी, एक लहर चलती है जब कुछ नया होता है तो एक लहर चलती है, उस समय लहर चली 1920 का, 1930 का, 1938 का हमें इतिहास मिलता है कि कुछ महिलाओं ने आक्रामक होकर गलत बातों का विरोध किया। जैसे 1930 में मंदिर में प्रवेश करते समय पुरोहित ने एक महिला को धक्का दिया और उसने उसी समय पलटकर उसको एक थप्पड़ मार दिया। ये उस समय का 27 और 30 ज्यादा अंतर नहीं, उस समय का एक असर, एक लहर होती है। उसके बाद में एक और अखिल भारतीय महिला परिषद में उदाहरण मिलता है कि कुछ सवर्ण महिलाओं ने दो दलित महिलाओं को अलग खाना परोस दिया था, प्लेटें अलग कर दी थी, और उन महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से उसका
प्रतिरोध किया। सार्वजनिक रूप से उनका विरोध करते हुए उन्हें बता उन्होंने बताया कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। मतलब उस समय महिलाओं में इतनी ताकत आ गई थी इस क्रांति के बाद, बाबा साहब के भाषणों के ऐसे प्रभाव उन पर हुए। समय के साथ साथ, उस समय तो हुआ मालाएं निकाली गई, हाथ के कंगन निकाले गए, लेकिन आज ये चीजें प्रासंगिक है या नहीं ये जांचना बहुत जरूरी है। ऊपर ऊपर हमें लगता है कि हमारे समाज की महिलाएं मुक्त संचार कर रही हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाते हैं तो उसका खोखलापन भी नजर आता है। हमें बार बार एक बात बतानी पड़ती है महिलाओं को, मंगलसूत्र पहनने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले नहीं मालूम था कि बाबा साहब ने इस विषय में कुछ बोला है, लेकिन 27 तारीख के भाषण में उन्होंने जब वो वेशभूषा चेंज करने की बात कही है, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो गले में गरसोरी बोला है उन्होंने पहनते हो, इसका तुम्हारे पति की उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ना ही तुम्हारे शारीरिक सौंदर्य से इसका कोई लेना देना है। आज हम बहुत सारी महिलाएं देख रहे हैं कि समाज में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं, या बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रही हैं, नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है, कुछ गृहस्थ होकर भी अच्छे सोफिस्टिकेटेड लोग हो गए हैं, लेकिन ये जो मंगल सूत्र है ना, ये अभी तक नहीं उतरा, ये आज भी बताना पड़ता है। आज भी उसके प्रति जो भावनाएं है ना महिलाओं की, जो सोच है वो वही है, ये पति की निशानी है। बड़ी बड़ी महिला बाबा साहब के भाषणों से जितना प्रेरित होकर पुरुषों में बदलाव हुआ है, उतना स्त्रियों में बदलाव हुआ ये दिखाई नहीं देता है। Yes, exactly. पुरुष अंग्रेजी पैटर्न के ड्रेस पहन रहे हैं, शॉर्ट पैंट कोट पहनते हैं, लेकिन महिलाएं आज भी शॉर्ट पैंट कोट के विरोध में हैं। हम समता की बात कर रहे हैं, ये समता के लिए आंदोलन था, समता की बात कर रहे हैं। उस समय भले लुगड़ा पहनने की पद्धत उन्होंने बदलने के लिए बोली, लेकिन आज के प्रसंग में, आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करते हैं तो उससे भी आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने खुद अपने भाषण में बोला हर बार ये नहीं चलेगा जूना चे सोना कि वही आमच्या बापाची रीत आहे, ये हर बार नहीं चलेगा, ये उन्होंने कहा है। तो आज भी क्यों महिलाएं अपने पहनावे में वो बराबरी का दर्जा नहीं ला रही है, जबकि 2600 साल पहले बुद्धा ने भिक्कू और भिक्कुनियों को एक जैसा ड्रेस पहनाया है। आपको दूर से पहचान में नहीं आएगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारी आवाज। ये समानता क्या होती है ये बुद्धा ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। उस समय वो महाप्रजापति से बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में, तो बुद्ध बोलते हैं कि महाप्रजापति माताजी बोलते थे वो, आपको जो सही लगता है वो निर्णय लो। मतलब उन्होंने निर्णय लेने का भी अधिकार दे दिया था। और निर्णय क्या लेना था, वो तो पहले जब कपिल वस्तु से वैशाली के लिए निकली थी उसी समय उसने भिक्कुओं की तरह वेश कर लिया था, बाल मुंडा लिए थे, कासाय वस्त्र धारण कर लिए थे, सारे गहनों आभूषणों का त्याग कर दिया था। वो 2600 साल पहले वो क्रांति हुई थी, वही बातें 2600 साल के बाद में आज भी बोलनी पड़ रही है, 2500 साल बाद बोलनी पड़ रही है कि स्त्री पुरुष में समानता वेशभूषा से भी दिखनी चाहिए। वेशभूषा में तभी आएगा जब आपके मन में आएगा। अभी सर ने मन की भी बात की थी, मन बदलेगा नहीं तो वर्तन भी बदलेगा नहीं, आपकी बात मैंने नोट कर ली। तो मन में ही बदलाव नहीं हो रहा है, दुनिया क्या कहेगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, तरह तरह के डर से अभी भी वो संकुचित है, भय अभी गया नहीं है उसका। मुझे साड़ी पहनने की आदत है तो मैं साड़ी ही पहनूंगी, कुछ आदत के गुलाम भी है, हमें शराबी को शराबी
छोड़ दो। आदत तो वो भी है, आदत ये भी है कि मैंने पहले कभी ऐसा ड्रेस पहना नहीं। अभी हमने देखो 45 के बाद में ये कभी नहीं पहना था, लेकिन पहना अभी, क्योंकि ये हमारा यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म तो पहनना ही पड़ता है। ये यूनिफॉर्म ये बताता है कि आप किसी जाति धर्म से नहीं है, केवल उत्तर के स्कूल के विद्यार्थी हो। यूनिफॉर्म का बड़ा महत्व है। स्कूल के विद्यार्थी होना ठीक है, लेकिन किसी जाति और धर्म को आप बिलोंग कर रहे हैं ये बताना ही गलत। इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है। मेरा चिंतन अक्सर इस पर चलते रहता है, क्योंकि भिक्खुनी बनी हूं तो इस पर चिंतन तो आएगा कि प्रैक्टिकली मैं क्या कर रही हूँ, प्रैक्टिकली मैंने जो भी किया है क्या वो सही है, मैं जो पहन रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, मेरी जो दिनचर्या है क्या वो तर्कसंगत है, क्या वो व्यवहारिक है। भले 2600 साल पहले कुछ नियम बने होंगे, लेकिन आज क्या वो प्रासंगिक है, ये चेक करना पड़ेगा। ये तो बातें हुई बदलाव की जो नहीं हो पा रहा है कुछ कुछ मायने में, लेकिन इसके रीजन भी दो है। एक तो स्त्री सामाजिक व्यवस्था के दायरों में तो बंधी है, दूसरी वो पितृ सत्ता के दायरों में भी बंधी है। जब मैं बाबा साहब का भाषण पढ़ रही थी तो मेरे मन में एक भाव उठा कि बाबा साहब ने जो बोला, एक बहुत सुंदर बात उन्होंने बोली कि 19 मार्च के बाद बहुत सारे लोगों ने मरे हुए जानवर का मांस खाना छोड़ दिया, लेकिन आज भी अगर, मतलब 27 के भाषण में बोल रहे, 9 महीने का कालावधि है, आज भी अगर आपके घर में कोई मरे हुए जानवर का मांस ला रहा हो तो स्त्री को कहते हैं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको बोलने की कि मेरे घर में ये नहीं चलेगा। मैं बोली एक पिता बोल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक पिता बोल रहा है अपने बच्चियों को। वो घर की स्वामिनी होने का भाव जता रहा है। जहां उसने बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी को ये कहा है कि तुम्हें तुम अगर सही जिंदगी नहीं दे सकते हो तो पैदा मत करो, और यहाँ वो कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा पति सही व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसको बोलो कि मेरे घर में ये नहीं चलेगा। दोनों बहुत गंभीर बातें हैं। क्या वाकई में प्रैक्टिकली ऐसा होता है या हो सकता है? कितनी महिलाओं ने बोला होगा अपने पति को कि मेरे घर में ये नहीं चलेगा, किसी भी मामले में हो। वो एक उदाहरण था मरे हुए जानवरों का। हम लार्ज स्केल में देखते हैं मोस्टली ऐसा होता नहीं है, एक आध महिला ऐसा करती है, सभी महिलाओं की ऐसी बोलने की हिम्मत नहीं होती कि ये मेरा घर है। लेकिन बाबा साहब ने ये वाक्य बोला तो ऐसा लगा ये बाप है हमारा, जो हमको अपने हक लेना सिखा रहा है, हक के लिए लड़ना सिखा रहा है, चाहे वो दहलीज के भीतर हो चाहे दहलीज के बाहर। दहलीज के बाहर भी वही निकल सकती है जो दहलीज के भीतर विजयी हो। दहलीज के भीतर भी तो विजयी होना मुश्किल है, क्योंकि पितृ सत्ता है। आज हमें बाबा साहब जैसे पिता की जरूरत है तो ज्योतिबा फुले जैसे पति की जरूरत है, जो ये पितृ सत्ता से लड़ने में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे। ज्योतिबा अपनी सावित्री बाई फुले भी शुरू शुरू में संकोच करती थी, एकदम से उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब टीचर ट्रेनिंग के लिए वो पूना भेजना चाहते थे तो वो नहीं जा रही थी, तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि किस विचार से तुम नहीं जा रही हो, मेरी चिंता कर रही हो कि मैं कैसे खाना खाऊंगा। उसको लेकर बैठते हैं और बोलते सिखा मुझे कि भाकर कैसे बनाते हैं, आटा कैसे गूंथते हैं। सावित्री भाई से वो आटा गूंथना रोटी बनाना सीखते हैं, बोलते अभी मुझे ये आ गया है, अब मैं अपने हाथ
हास्य करके खा सकता हूँ, तुम्हें टीचर ट्रेनिंग के लिए पुणे जाना ही होगा। ऐसे लोगों की जरूरत है। पितृसत्ता से स्त्री अकेली नहीं लड़ सकती। हम कई बार समाज में जो भी अनहोनी होती है, जो भी अन्याय होता है, तो हम उन विरोधियों की आंखों में आंखें डालकर लड़ते हैं, प्रतिरोध करते हैं। लेकिन जब अपने घर की बात आती है ना, तो हम बहुत द्रवित हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, आपलेस दांत आणि आपलेस ओठ। बड़ा कठिन है कि दहलीज के भीतर लड़ना। आज के परिप्रेक्ष्य में स्त्रियों के संदर्भ में ये बात होना बहुत जरूरी है। हाल ही में मैंने अभी कामजी में एक प्रोग्राम किया था, तो वहां पर देखा महिलाओं ने कोट तो पहना था, लेकिन उसके ऊपर नथ, बहुत सारे चेन, बहुत सारी चूड़ियां, अभी भी कुछ लोग फोटो डाल रहे हैं। ये इस तरह की हरकतें महिलाएं भी कर रही है, और घर में बहुत सारे जो पिता है, भाई है, पति है, इनका भी हमें तरह तरह से सामना करना पड़ रहा है। मतलब दो पड़ावों पर हम लड़ाई कर रहे हैं, दो पड़ावों पर। पुरुषों को एक ही पड़ाव पे लड़ना है। समाज में जाति व्यवस्था के खिलाफ आप समानता चाहते हैं, लेकिन हम जातियों की जाति भेद तो खत्म करना ही चाहते हैं। जाति भेद नहीं कहूंगी, जाति व्यवस्था ही खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकती है जब हमें घर में बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा। स्त्री पुरुष समानता भी बहुत जरूरी है। ये जितने भी भाषण हुए हैं, जितने भी लेख हुए हैं, जितनी भी बातें हुई हैं, ये मानवीय अधिकारों की बात है, स्वतंत्रता, समता और न्याय की बात है, बंधुत्व की बात है, तो ये केवल पुरुषों के लिए लागू नहीं है, तो ये महिलाओं के लिए भी लागू है। लेकिन आपको महिला शब्द का उल्लेख करना पड़ेगा, तब ये बातें सही मायने में लोगों तक जाएगी कि ये बात हमारे लिए भी हो रही है, अन्यथा कंफ्यूजन फैलेगा, बहुत सारे विरोधाभास होंगे। अभी जैसे हम भिखुनी होने के नाते हम हमेशा बोलते हैं भिक्खू संघ बोलते हैं, आपने भिखुनी संघ का उल्लेख ही नहीं किया है, तो बोलते नहीं, भिक्खू संघ में भिखुनी संघ आ जाता है। ऐसा नहीं है, आपको अलग से उल्लेख करना पड़ेगा, तभी हमारे अस्तित्व का एहसास होगा। आप ऐसा कहकर केवल पुरुषों की बात कहकर या केवल भिक्खू की बात कहकर, भिक्खू संघ की बात कहकर, कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व को ग्रहण लगाते हैं। उस ग्रहण को हटाना पड़ेगा। क्यों इतिहास में भिक्खुनी संघ का इतिहास नहीं मिलता है? क्यों महाप्रजापति को कोई जानते नहीं है? पिछले 5 सालों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तब जाके आज एक व्यक्ति ने यहाँ खड़े होकर महाप्रजापति गौतम जी को अभिवादन किया, अब लोग जानने लगे हैं। वैसे ही महा आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता और उन पर हुए जो परिणाम, उनके प्रभाव और उससे जो क्रांति का बीज निर्माण हुए और वो फैले, आपको पेड़ बन गए हैं, इसका उल्लेख हमें बार बार करना पड़ेगा। आपके भाषणों में, आपके लेखों में स्त्री शब्द का उल्लेख करना पड़ेगा, तब जाकर उनको लगेगा कि इसमें हमारा उल्लेख हो रहा है। ये हमारे अस्तित्व की ही नहीं, हमारे स्वाभिमान की भी बात है। स्त्री पुरुष दोनों के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं है। और इसीलिए बाबा साहब ने बोला कि पुरुष अगर किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है तो उसे सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन स्त्री अगर किसी चीज की जिम्मेदारी लेती है तो वो बहुत जल्दी सफल होती है। उनके अनुभव है, और सच में ये अनुभव हमने भी लिए हैं कि जब जब हमने जिम्मेदारी ली है, हम सफल हुए हैं। आपसे दुगुनी लड़ाई हमने लड़ी है, हमारे घर वालों से भी लड़ी है, बाप से लड़ी है, पति से लड़ी है, भाई से लड़ी है, बेटों से लड़ी है, और उसके बाद में अब समाज से भी हम लड़ रहे हैं, बराबरी के हक के लिए, समता के हक के लिए, न्याय के लिए, आजादी के लिए। हमारी लड़ाई दुगुनी है, और हमें ये मजबूती तभी मिल सकती है जब आप लोग भी इस बात का बराबर उल्लेख करें। जैसे बाबा साहब ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते तो पुरुषों के साथ खड़े हो जाओ, उनका सहयोग करो, वैसे हम कहेंगे कि हमारी लड़ाई में आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमें सहयोग करो,
हमारी बातों को आप उठाओ, हमारी बातों को आप जनजन तक पहुंचाओ। बानाई का ये जो उपक्रम है ये इसीलिए है कि इस क्रांति का जो परिणाम हुआ है और आज जो हमें दिखाई दे रहा है चित्र हमारे समाज का, स्त्री हो या पुरुष, उसमें जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसको जन जन तक बताना है, वो इतिहास हमें लोगों तक ले जाना है। सच में आज हमारे बच्चे नहीं जान रहे हैं, जैसे बोले कि बिहार एकदम शांत लग रहे हैं, सुनसान लग रहे हैं, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि आज कौन सा दिन है। आज इतिहास में इतनी बड़ी क्रांति हुई है जिसका जिसकी तुलना बाबा साहब ने फ्रेंच राज्य क्रांति से की है। तो फ्रेंच राज्य क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए, न्याय के लिए जो लड़ाई की गई थी, उसमें 17 कलमों का जो प्रस्ताव पास किया गया था उससे तुलना की जा रही है कि इसमें भी इस आंदोलन में, महाड़ के आंदोलन में भी स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय के लिए आंदोलन किया गया है। और इसकी बात अगर हमारे महाराष्ट्र में कोई नहीं जान रहा है तो पूरे भारत में कैसे जानते हैं। मुझे हमेशा एक कमी दिखाई देती है कि जब महाराष्ट्र लेवल पर काम होता है या विदर्भ लेवल पर काम होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें महाराष्ट्र के बाहर के लोगों का कोई इनपुट दिखाई नहीं देता है और हम मराठी में बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे मराठी नहीं आती है, लेकिन मैं जानबूझकर हिंदी में बोलती हूँ कि कम से कम मेरे विचारों का दायरा तो बढ़े, कम से कम नेशनल लेवल तक तो जाए। हमारी बातें नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक जानी चाहिए, इसीलिए तो बाबा साहब ने इंग्लिश का प्रयोग किया। तो हमें हमारे दायरे बढ़ाने होंगे। जिस तरह से बुद्ध और बाबा साहब को इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है ज्ञान के प्रतीक के रूप में, ऐसे ही फ्रेंच राज्य क्रांति को इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है, लेकिन महाड़ क्रांति को नेशनल लेवल पर भी नहीं जाना जा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। इसलिए हमारे सिर्फ बानाई संगठन ही नहीं तो यहाँ के जितने भी संगठन है इसने जोर शोर से इस काम पर लग जाना चाहिए। अभी 4 साल बचे हैं 100 वर्ष पूरे होने में, और ये 100 वर्षों का जो इतिहास है, अभी कम समय में मैं बहुत कम पढ़ पाई हूँ क्योंकि आजकल मेरा जो अध्ययन चल रहा है वो बुद्धिज्म पे ज्यादा चल रहा है। बाबा साहब का जो लेख है या उनकी जो बातें हैं वो बहुत कम पढ़ने के लिए समय निकाल पा रही हूँ मैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं दोबारा बाबा साहब की तरफ फिर से लौट आई हूँ। बहुत बार तो लोग हमको चिवर में देकर बाबा साहब के ऊपर बोलना नहीं आएगा ये सोचकर मौका भी नहीं देते, वो हमसे केवल आशीर्वाद ही चाहते हैं, पता नहीं कि ये चिवर पहनने के बाद से कौन सा चमत्कार हो गया है इस कपड़े में कि हमसे लोग आशीर्वाद चाहते हैं। भला तो हमारा उसी से होगा जो बाबा साहब ने बताया है किस तरह से जीना है, बुद्ध ने बताया कि जीवन कैसे जीना है, उसको हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे लाए। अब बुद्धिज्म का प्रचार करने का भी बानाई ने प्रोग्राम लिया हुआ है, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? मैं आपसे सवाल करती हूँ, उसका आउटपुट क्या है? रैलियां निकालने से क्या आउटपुट मिल रहा है? वो थोड़े समय के लिए चीवर लेते हैं तो उनके अध्ययन और अध्यापन की क्या व्यवस्था होती है? चीवर लेने के बाद अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है। तो ये ऊपरी ऊपरी बातें हमको छोड़नी पड़ेगी और इसके गहराई में जाना पड़ेगा कि वाकई में हमारे समाज का भला किससे हो सकता है। सही मायने में लोग बुद्धिस्ट कैसे हो सकते हैं? काल्पनिक बातें किए जा रहे हैं। कोई अर्हत होने के लिए भाग रहा है, कोई मोक्ष पाने के लिए भाग रहा है, कोई निर्वाण पाने के लिए भाग रहा है, और ये जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसको कैसे जीना है इसके तरफ कोई नहीं देख रहा। जबकि हम व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं, हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, इसके लिए जो जरूरी बातें हैं वो ना हम समझना चाह रहे हैं ना हम उसको अपने आचरण में लाना चाह रहे हैं। हम कितना भी परिवर्तन कर ले हमारे व्यवहारिक बातों में, लेकिन हमारे भीतर शील होना बहुत जरूरी। बिना शील के आप सक्सेस नहीं हो सकते। बाबा साहब ने खुद कहा कि मैं इतना सक्सेस क्यों हूँ, ज्ञान के साथ साथ उनके पास में शील भी है। तो हम ज्ञानी तो बहुत हो गए हैं लेकिन शीलवान नहीं है। वो जो आचार उच्चार की बात उन्होंने की है, विचारों की बात की है पहले भाषण में, वो संस्कृति की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक बदलाव की बात कर रहे हैं, वहाँ पर नैतिकता की बात कर रहे हैं।
हमें नैतिक होना पड़ेगा, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आगे का देख कर ये कहे कि वाह कौन से क्लास के लोग हैं ये जो इतना सुंदर व्यवहार कर रहे हैं, इनके गुरु कौन है ये पूछना चाहिए, गुरु का नाम आना चाहिए। बाबा साहब के जैसे तीन गुरु कहते हैं वैसे हम भी उनको गुरु मानते हैं, और भी बहुत सारी श्रृंखला है गुरुओं की। आज के गुरु गुरु नहीं है, वो पुरोहित हो गए हैं, और उस समय पुरोहिताई का भी बहुत विरोध हुआ था, बहुत सारे आंदोलन तो पुरोहिताई के विरुद्ध हुए हैं, लेकिन वो वैदिक धर्म से बताए गए हैं। लेकिन जो बुद्ध का धर्म बाबा साहब ने हमें दिया, उस बुद्धिज्म में भी आज पुरोहिताई आ गई है, इसको खत्म करने के लिए हमारे प्रयास नहीं चल रहे हैं जो करने की बहुत जरूरत है। आज हमारी पहुंच घर घर तक है, चल रहा है ना परित्राण पाठ, तो घर घर तक पहुंच है, लेकिन वहां पर हमने जो विचार देने चाहिए वो विचार नहीं दे रहे हैं। हम प्रभावित होते हैं श्रीलंका से, थाईलैंड से, बर्मा से, जहां पर पूरी तरह से ब्राह्मणवाद घुस गया है। वहां से बहुत सारे लोग घूम के आते, सब देख के आते हैं, वहां ब्रह्मा को पूजा जा रहा है, वहां गणपति को पूजा जा रहा है, लेकिन यहाँ आकर चुप, कोई किसी को कुछ नहीं बताता है। जब हमारी घर के सुनी थी थाईलैंड गई थी, मैंने रही तो उसने आकर बताया कि वहां ब्रह्मा और गणपति को पूजा जाता है। और अभी हाल ही में हमारे एक भर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे तो बड़ी ही यूनिक जानकारी मिली हमें, वो थाईलैंड से होकर आए हैं, और वहां पर ये मान्यता है भिक्खुओं की, थाईलैंड के संघ शासन ने यहाँ भिक्खुओं का भिक्खुनी बनना मना है, यहाँ फतवा है वहां पर, तो इस स्थिति में नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि जो माइंड होता है वो कमर से नीचे होता है। आज एक भिक्खु ने बड़ी ईमानदारी से ये बात बताई कि थाईलैंड में ऐसी बात होती है, वो कहते हैं बाकी लोगों की ईमानदारी कहाँ गई, थाईलैंड तो बहुत लोग गए होंगे, क्यों नहीं इन बातों का खुलासा होता है, क्यों नहीं लोगों को ये बताया जाता है कि अन्य देशों में बुद्धिज्म के नाम पर क्या क्या परोसा जा रहा है, उल्टा उनकी नकल मारकर खुद भी वैसे ही बन रहे हैं और बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्यों नहीं लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जो इन देशों में जाते हैं ना बौद्ध राष्ट्रों में, वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा वहीं करा जाते हैं, और बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाओं में बहुत अच्छे तरीके से सांस्कृतिक बदलाव की बात जो शुरू की, 8 प्रतिज्ञा है बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज जो हमारे खास करके महाराष्ट्र में जो बुद्धिस्ट हो रहे हैं ना वो इस बात को नहीं समझ रहे, वो कहते हैं कि यदि हम बाबा साहब का नाम लेंगे, बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं का नाम लेंगे, इवन जय भीम भी बोलेंगे तो लोग हमको बुद्धिस्ट नहीं समझेंगे, बुद्धिस्ट हमें बोलना है तो हमें ये सारी चीजें भी छुपानी पड़ेगी, इसलिए बहुत सारे लोग छुपा रहे हैं। जबकि अभी अभी सर ने बोला कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने राष्ट्रहित में काम किया है, इसे विशेष कम्युनिटी के दायरे में बनकर नहीं रहे, वो एक राष्ट्र प्रेमी थे, राष्ट्र के हित में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, इस बात को यदि ध्यान में रखते हैं तो जय भीम हम सबका है। एक व्यक्ति ने मेरी जान पहचान कुछ नहीं मुझे देखा और बोलते क्या आप जय भीम वाले हैं, मैंने उसे प्रति प्रश्न किया क्या आप जय भीम वाले नहीं हो, कुछ अपर कास्ट का भी था, मैंने कहा आप जय भीम वाले नहीं हो, कुछ अलग ही नाम था उनका, अभी मुझे याद नहीं, तो वो एकदम डर गया, उसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी या प्रति प्रश्न की अपेक्षा नहीं थी, तो बोले नहीं मैं तो ये हूँ, बोले अच्छा आप संविधान नहीं मानते, आप इस देश के नागरिक नहीं हैं, बाबा साहब ने संविधान लिखा है और उस संविधान निर्माता को पूरा राष्ट्र मान रहा है और आप नहीं मानते तो आप जय भीम वाले नहीं हैं, नहीं बोले इस अर्थ में तो मैं हूँ जय भीम वाला। तो ये ऐसा हमें कन्विंस करते आना चाहिए, हम कन्विंस नहीं कर पा रहे क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं, हम खुद विरोधाभासों में जी रहे हैं कि हम क्या रखें और क्या छोड़ें, हमें ये विरोधाभास खत्म करने पड़ेंगे और बार बार इस तरह के विषयों पर हमें चर्चाएं करनी होगी। समय सीमित होने की वजह से मैं
अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और मुझे मेजराम सर को भी सुनना है मैंने कभी सुना नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए मैं अभी यहीं रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।